गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आर न्यू चैप्टर इज लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए, इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो लाइफ लाइन्स हैं वो इकोनॉमी को हमारी बढ़ाती हैं, इंक्रीज करती हैं, किस तरीके से जो ये हमारा रोडवेज है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, किस तरीके से इनके थ्रू हमारा जो डेवलपमेंट है कंट्री का वो होता है। देखिए, What is the importance of transport and what is transport? Movements of goods and services can be over three important dominants of our earth, that is land, water and air. Based on these, transport can also be classified into the land, water and air transport. Let us discuss them in detail. देखिए, जो movements होता है goods and services का एक place से दूसरे place पर, उसको हम क्या कहते हैं? Transport कहते हैं। इसमें आपका heavy, bulky, light सारे goods and services आती हैं, ठीक है। जो हमारी अर्थ है वो तीन पार्ट्स में बटी हुई है, लैंड है, वाटर है और एयर है। इसी तरीके से जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हमारा थ्री कैटेगरीज में बटा हुआ है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन, सबको पता है। देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस, हाउ कैन वी से दैट द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी इज डेवलप्ड नाउ इन आर कंट्री, की जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी है वो अब हमारी कंट्री में डेवलप्ड है। अगर हम ये क्वेश्चन रेस करते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि डेवलप्ड है? ऐसे कह सकते हैं, देखिए पहले के टाइम पर क्या था, बुल कार्ट्स थी, ठीक है, लोग उसी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। लेकिन अब क्या है, बुल कार्ट्स की जगह हमारी मेट्रो आ गई है, ठीक है, बुलेट ट्रेन्स आ गई हैं, सुपर फास्ट ट्रेन्स आ गई हैं और कैब फैसिलिटी, पता है आपको कि अगर आपको घर से कहीं बाहर जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, कैब यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी डेस्टिनेशन होगी वहाँ को आपको वो सिंगल रूट भी आप कुछ आप पे करना हो सकता है, डबल रूट अगर आप लेना चाहते हैं तो डबल रूट पे भी आपको वो मतलब ईजीली आपको जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो घर बैठे अवेलेबल हो जाती है। दूसरी बात, जब हम कम्युनिकेशन की करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की करते हैं, पहले क्या था, PNTs हुआ करते थे, फ़ोन हुआ करते थे ना, कि हम एक ही जगह पे बैठ के बात करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मोबाइल आया, ठीक है, उसके बाद नेटवर्किंग आया, अब 2G आया, 3G आया, 4G आया, अब क्या है, 5G आ रहा है। हम एक जगह से बैठ के दूसरी कंट्री की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द ग्लोबलाइजेशन, थ्रू द मॉडर्नाइजेशन, थ्रू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वी कैन से दैट आर कंट्री इज डेवलपिंग मोर एंड मोर, ठीक है। तो इसमें जो हम फर्स्ट डिटेल पढ़ते हैं, रोडवेज। देखिए, रोडवेज एक ऐसा वर्ड है जो जब हमारे दिमाग में आता है तो हम समझ सकते हैं कि जो स्टेट बसेज है उनकी बात हो रही है। आपको पता है, यूपी में हम रहते हैं तो यूपी रोडवेज चलती है, उत्तराखंड में हम रहते हैं तो उत्तराखंड रोडवेज चलती है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये ट्रैवल करती है, ठीक है। और रोडवेज जो है वो क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। देखिए, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड में अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का क्या है, एक लार्जेस्ट नेटवर्क है रोड्स का, ठीक है, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 54 लाख किलोमीटर। कितना है, 54.7 लाख किलोमीटर। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ओवर रेलवे इज मेंशन बिलो। देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेयर नहीं, ये आपका मोमन आता है क्वेश्चन कि हाउ कैन वी से दैट रोड ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पॉर्टेंट कंपेरिजन टू द रेल ट्रांसपोर्टेशन, या द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन ओवर रेलवे ट्रांसपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट, हाउ कैन वी से दैट। ये हमारा क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का। तो उसमें आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, देखिए 5 पॉइंट आपको इसके याद करने हैं और बहुत अच्छे से उनको आपको कवर अप करना है। तो पहली जब हम बात करते हैं तो क्या है, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ लाइन रेलवे लाइन्स। जब भी रेलवे लाइन्स को ले डाउन किया जाता है तो जो उसकी कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, रोड, यानी कि रोड इजीली ले डाउन कर सकते हैं, लेकिन रेलवेज़ को ले डाउन करने के लिए हमें काफ़ी सारे फॉरेस्ट को काटना पड़ता है, काफ़ी सारी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर से ये होके जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है रोड के कंपेरिजन में रेलवे का, वो काफ़ी ज़्यादा है, रोड का कम है और रेलवेज़ का ज़्यादा है। रोड्स कैन कवर मोर जियोग्राफिकल हार्डर लोकेशन दैट कैन नॉट बी डन बाय द रेलवेज़। देखिए, जो हायर एल्टीट्यूड्स हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे इजीली
क्या पहुंच जाती है, रोड्स पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ पर ट्रेन्स का पहुंचना नामुमकिन होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं देहरादून का, आप मसूरी का एग्जांपल ले लीजिए, आप नैनीताल का एग्जांपल ले लीजिए, या आप अल्मोड़ा का एग्जांपल ले लीजिए, ये ऐसे टेरन है जहाँ पर अभी भी ट्रेन अवेलेबल नहीं हुई है। बहुत साल 1885-83 में हमारी ट्रेन्स का जो ले डाउन सिस्टम है वो ले डाउन हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी, डेवलपमेंट के इतने टाइम के बावजूद भी, जो हमारे हाई लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर सिर्फ रोडवेज फैसिलिटी ही अवेलेबल है, ट्रेन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो टैरन का जो इलाका होता है, जो हार्ड लोकेशन है, वहाँ पे रोडवेज जो है वो इजीली पहुँच जाती है कंपैरिजन टू रेलवेज। तो एक ये भी एक रीज़न बनता है इसका, ठीक है, कि जो रोडवेज है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमारा क्या है, रोड कैन नेगोशिएट हायर गार्डियंस ऑफ स्लोप्स एंड कैन बी ईजिली बिल्ट इन ट्रेवर्स माउंटेन्स सच एज द हिमालयाज। वो ये कि टेरन इलाकों पर ईजिली हम इसको ले डाउन कर सकते हैं, जो भी माउंटेन्स हैं उनको कट करके रोड हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेन क्या होती है, ट्रेन की अगर हम लेंथ करते हैं, बस की लेंथ कम होती है ट्रेन की लेंथ से, तो बस ईजिली मूव कर जाती है इधर से उधर, लेकिन ट्रेन को मूव करने में टाइम लगता है। एक ये भी रीज़न है कि हाई एल्टीट्यूड में हम इसको ले डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो चौथा क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट इज़ इकोनॉमिकली, यानी कि चीप है, किसके अकॉर्डिंग, रेलवेज़ के अकॉर्डिंग, मतलब हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है रोड से जाना, रोड ट्रांसपोर्टेशन को, कंपैरिजन टू रेलवेज़। फिफ्थ क्या है, इट इज़ आल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराती है, लेकिन ट्रेन में ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर आप रोडवेज से जाते हैं तो रिक्शा, अब जो लोकल ट्रेन्स हैं वो तो रुकेंगी, लेकिन जो लॉन्ग रूट की ट्रेन्स हैं वो ज़्यादातर स्टेशन पे नहीं रुकती हैं, ठीक है। लेकिन रोड ट्रांसपोर्टेशन के साथ ऐसा नहीं होता, डोर टू डोर सर्विस आपको प्रोवाइड कराती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स। ओबियस है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो एक लिंक प्रोवाइड कराती है बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स। भैया कहीं भी आपको जाना है, चाहे आपको एयरपोर्ट जाना है, चाहे आपको रेलवे स्टेशन जाना है, चाहे आपको सी पोर्ट्स जाना है, तो आपके लिए कंपलसरी क्या है, आपके लिए कंपलसरी ये है कि आपको जाना कहाँ से पड़ेगा, रोड बाय रोड जाना पड़ेगा, रोड के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस हैं, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक बार और इनको रिवाइज कर लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन द रेलवे लाइन। सेकेंड है, रोडवेज कैन ओवर मोर जियोग्राफिकल हार्डर लोकेशन दैट कैन नॉट बी डन बाय द रेलवेज। थर्ड पॉइंट है, रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड कैन बी ईजिली बिल्ट इन ट्रेवर्स माउंटेन्स सच एज द हिमालय। फिर फोर्थ क्या है आपका, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। सिक्स क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड लिंक्स, रोड ट्रांसपोर्ट क्या प्रोवाइड करा रहा है आपको, लिंक प्रोवाइड करा रहा है किसके बीच में, बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी स्पोर्ट्स के बीच में। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग सिक्स क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इंडिया में सिक्स क्लासेस में जो हमारा रोड्स है वो क्लासिफाइड है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटर इज अ नेटवर्क ऑफ हाईवे, क्या है ये, नेटवर्क ऑफ हाईवे है कनेक्टिंग इंडियाज फोर टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। और ये क्या कनेक्ट करती है, इंडिया के फोर टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट करती है। कौन कौन से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। कौन कौन से, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, यानी कि जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे है वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। दीज हाईवे प्रोजेक्ट आर बींग इम्प्लीमेंटेड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वन मार्क्स क्वेश्चन में भी आता है कि हु इम्प्लीमेंटेड द प्रोजेक्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे, देन इट्स अ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वी कैन से, आई विल रिपीट इट, दीज हाईवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे है इनका जो देख रेख या इनका जो बिल्डअप का काम होता है उसको कौन करती है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट्स एन वन मार्क्स क्वेश्चन। दूसरा हमारा आता है नेशनल हाईवे, ठीक है। द नेशनल हाईवेज आर अ नेटवर्क ऑफ ट्रंक रोड, किसका है ये, किसका नेटवर्क है, ट्रंक रोड्स का, दैट आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय द, देखिए ये भी वन मार्क्स का क्वेश्चन है, हु मेंटेन द नेशनल हाईवे, दैट दे आर
the roads that are laid and maintained by the Central Public Works Department. Who? Central Public Works Department, यानी कि CPWD, it's a full form of CPWD, Central Public Work Program. That means जो National Highway है, National Highway का जो network है, जो ये roads हैं, trunk road, ये maintain की जाती हैं और lay down की जाती हैं, किसके through? Central Public Work Department के through. The historical शेरशाह सूरी मार्ग, जो historical शेरशाह सूरी मार्ग है, उसको क्या कहा जाता है? National Highway. नंबर वन बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर, ठीक है, जो हिस्टोरिकल, याद रखिएगा इसको भी, ये भी वन मार्क्स का क्वेश्चन है. द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे. जो हिस्ट्री में शेरशाह सूरी मार्ग बनाया गया है उसको नेशनल हाईवे. नंबर वन किसके बीच में है? ये दिल्ली एंड अमृतसर के बीच में, ठीक है. उसके बाद आता है स्टेट हाईवे. रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल, जो रोड है वो लिंक होती है जब स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, जब स्टेट की जो रोड्स हैं वो लिंक हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ, तो इसको क्या कहा जाता है? नोन एज अ स्टेट हाईवे. क्या कहा जाता है? स्टेट हाईवे. दीज रोड आर, देखिए किसको कहा जाता है स्टेट हाईवे? रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. जब स्टेट की रोड्स का लिंकअप होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ, तो इसे स्टेट हाईवे कहा जाता है. और दीज रोड आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द, और कौन इनको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है? देखिए जितनी भी रोड है इनका जो भी कंस्ट्रक्शन और मेंटेन वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका ज़्यादातर वन मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा. तो ये क्या कह रहा है स्टेट हाईवे के लिए कि कौन इनको मेंटेन और कंस्ट्रक्ट करता है? स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD. सो और आपका जो नेशनल हाईवे था CPWD, और जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर था वो NHAI, और जो आपका स्टेट हाईवे है वो PWD, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आपका आती है डिस्ट्रिक्ट रोड्स. देखिए डिस्ट्रिक्ट रोड्स में क्या है? दीज रोड्स कनेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विथ अदर प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट. ये जो रोड है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करती हैं अदर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ. दीज रोड्स आर मेंटेन बाई जिला परिषद, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट रोड है उनको जिला परिषद करता है. जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर है उसको NHAI करता है. जो नेशनल हाईवे है आपका उनको CPWD करता है. जो स्टेट हाईवे है वो PWD करता है. जो डिस्ट्रिक्ट रोडवेज है उनकी देखरेख कौन करता है? जिला परिषद. इसमें फिर आपका आता है अदर रोड्स. देखिए अदर रोड्स में आपके आएंगे रूरल रोड्स. रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस. रूरल रोड्स जो लिंक कर रही हैं रूरल एरियाज एंड विलेजेस से, जैसे कि आपके यहाँ हैं बहेड़ी से आपके जितने भी गांवों को लिंकअप हो रही हैं रूरल एरियाज में या जितने भी विलेजेस में हो रही हैं, तो वो हमारी किस में आती हैं? अदर रोड्स में या रूरल रोड्स में, ठीक है. विलेजेस एंड टाउन्स आर क्लासीफाइड अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है. बहेड़ी और बहेड़ी से जितने भी आपके विलेजेस लिंक कर रहे हैं वो सारा हमारा अदर रोड्स में आता है. दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्पिट्स अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. किसके अंडर ये काम करते हैं? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. देखिए कई बार आपका ये क्वेश्चन आता है कि अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना विच टाइप्स ऑफ रोड्स आर कनेक्टेड, देन वी कैन से अदर रोड्स लाइक रूरल रोड्स, विलेज रोड्स एंड टाउन रोड्स, ठीक है. व्हेन रूरल टाउन एंड विलेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर इट्स कॉल्ड आर प्रधान इट्स इन इट्स वर्क अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. फिर हमारा आ रहा है बॉर्डर रोड. देखिए बॉर्डर रोड में क्या है हमारा? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री. द ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश अंडर 1960. देखिए कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? 1960 में. अब देखिए क्या है बॉर्डर रोड में. बॉर्डर रोड जो है वो मेंटेन करता है बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री को. दिस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश 1960 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज. देखिए बॉर्डर एरियाज जो होते हैं हमारी, बॉर्डर रोड्स जो होती है वो हमेशा आपको क्या मिलेंगी? वेल मेंटेन मिलेंगी. क्यों? क्योंकि इनका जो अदर कंट्रीज के साथ जो बॉर्डर होता है जिससे ये लिंक होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बद्रीनाथ से 40 किलोमीटर आगे माणा गांव पड़ता है, वहाँ से चाइना स्टार्ट हो जाता है, या हम बात करते हैं इधर जम्मू कश्मीर से तो इधर पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, या इधर हम हिली एरियाज में बात करते हैं रानीखेत साइड में, या फिर ऊपर जो हमारा कुमाऊं रीजन है तो वो किससे है? नेपाल से. तो ये सारी इधर हम बात करते हैं तिब्बत साइड में, तो ये हमारा किससे लिंक है? चाइना से लिंक है. तो ये जो जितनी भी बॉर्डर रोड्स होती हैं ये वेल मेंटेन्ड होती हैं, और इनको कौन देखता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन देखता है, ताकि कोई भी अगर
चीज़ें होती हैं, कोई भी अगर जैसे अटैक होता है तो अगर हमारी ये रोड मेंटेन होती हैं तो इजीली क्या है हम इक्विपमेंट्स और जो भी फैसिलिटी है वो अपने शोल्जर्स को जो है इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, अब आपका आता है रोड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल यूज टू देयर कंस्ट्रक्शन सच एज मेटल रोड मे बी मेड ऑफ, देखिए जो मेटल रोड होती है अनमेटल रोड्स होती हैं। ठीक है, मेटल रोड्स क्या है, मे बी मेड ऑफ सीमेंट कंसरेट और इवन बिटुमिन ऑफ कोयल, दीज आर ऑल वेदर रोड, जो इसकी बनी हुई होती है ऑल वेदर रोड्स होती है, मतलब कि हर वेदर में आपके काम आती हैं। और अनमेल्टेड रोड्स गो आउट ऑफ यूज इन रेनी सीजन, जब भी आपका रेनी सीजन होता है तब ये खत्म हो जाती है। देखिए इसके बाद एक चीज़ और आता है, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ इंडियन रोड्स, मतलब कि या डिसएडवांटेज कह लीजिए, डीमेरिट्स कह लीजिए, ठीक है, कि मतलब क्या प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो इंडियन रोड्स में आती हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, कंजस्टेड इन नेचर, जो इंडियन रोड्स होती हैं वो कंजस्टेड होती हैं, यानी कि आपके ट्रैफिक और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नहीं होती, जितना हमारा कंट्री का ट्रैफिक है या जितना हमारे स्टेट का ट्रैफिक है वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग रोड्स नहीं बनी होती। और कई बार क्या होता है कि रेनी सीजन के बाद पूरी तरीके से ये जो रोड्स होती हैं ये मडी हो जाती हैं, यानी कि एक सीज़न झेलने के बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, देखिए जैसे फोर लेन का मैं आपको एग्जांपल अगर दूं, जो भी फोर लेन यहाँ पर डेवलप्ड है आप देखेंगे कि वो जो फोर लेन है वो जैसा हमारा ट्रैफिक है, जैसा हमारा वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग जो फोर लेन है वो भी पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं है। और कई जो लिंक रोड्स होती हैं जो विलेजेस को कनेक्ट करती हैं टाउन्स के साथ, आप देखेंगे कि एक सीज़न के बाद वो रोड जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस हैं, डीमेरिट्स हैं इंडियन रोड्स के, कि अपने ट्रैफिक और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो वेल कंस्ट्रक्टेड नहीं होती हैं। दूसरा इसमें हमारा आता है अब रेलवेज़ आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियस है सबको पता है कि ये प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, जो क्या करता है, फॉर कैरिंग ह्यूज लोड्स एंड बल्की गुड्स फ्रॉम लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंस इन इंडिया, जो क्या लेके जाता है, ये बहुत ज़्यादा सामान लेके जाता है, बल्कि भारी गुड्स को लेके जा सकता है, मालगाड़ियाँ चलती हैं जैसे कि आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंस पे। ठीक है, रेलवेज हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट इन इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर अभी आप सुनने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, ठीक है, रेलवेज़ का। However, रेलवे ट्रांसपोर्ट suffers from certain problem as well as which are mentioned below. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो रेलवेज अभी भी सफ़र कर रही है। पहला क्या है, constructions of bridges required across rivers, wide beds for laying down the railway lines. अब क्या है, आप पता है आपको कि इंडिया एक नेचर से भरी हुई कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे आपको भरपूर मात्रा में पानी मिलेगा, जंगल मिलेगा, फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, रिवर्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले चीज़ ये पड़ती है रेलवे लाइन को ले डाउन करने के लिए कि उसके रूट में जहाँ जहाँ रिवर्स फ्लो करती हैं उन रिवर्स के ऊपर क्या बनाना पड़ता है, ब्रिज बनाना पड़ता है, ताकि वहाँ पर ईजिली रेलवे लाइन्स को ले डाउन किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप भेड़ से थोड़ा आगे बढ़े किच्चा, तो किच्चा नदी के ऊपर भी ब्रिज बना हुआ है जहाँ क्या है, रेलवे लाइन ले डाउन है। तो जैसे रोडवेज का क्या है, रोडवेज में लाइन्स ले डाउन होती हैं, उसी तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, रेलवेज में भी ब्रिज बनाने पड़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन द हिली टेरेन्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक आर ले डाउन लो हिल्स गैप ऑफ और टनल्स। हिली एरिया टेरेन में जो पेनिनसुलर रीजन होता है रेलवे ट्रैक ले डाउन की जाती है लो हिल्स पे और गैप्स ऑफ और टनल्स पे। ठीक है, द हिमालयन माउंटेन रीजन आर ऑल्सो अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन ड्यू टू द हाइएस्ट एलिवेशन पॉइंट ऑफ द सर्फेस स्पेस। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो टेरेन इलाका है, जो हाईली एल्टीट्यूड है, वहाँ पे ईजिली हम रेलवे लाइन्स को ले डाउन नहीं कर सकते। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, इट इज़ डिफिकल्ट टू रेल लाइन ऑन सैंडी प्लेन्स। इसी तरीके से जैसे माउंटेन्स में, जैसे हिली एरियाज में रेलवे लाइंस को ले डाउन करना मुश्किल है, उसी तरीके से जो हमारा सैंडी है जो हमारा प्लेन्स है वहाँ पे भी हम क्या नहीं कर सकते, रेलवे लाइंस को ले डाउन नहीं कर सकते। चलिए चारों पॉइंट को एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज इज रिक्वायर्ड अक्रॉस वाइड बेड्स फॉर लेइंग डाउन द रेलवे लाइंस। सेकेंड हमारा है, इन द हिली टेरेन्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू हिल गैप्स और टनल्स। फिर हमारा आता है, द हिमालयन माउंटेन रीजन आर ऑल्सो अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन ड्यू टू द हाइएस्ट एलिवेशन
points in the surface, sparse population and lack of economic opportunity. फिर है हमारा it is difficult to lay railway lines on sandy plain. देखिए अभी हमने इसमें दो चीज़ों को पढ़ा है, एक तो हमने रोडवेज के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने रेलवेज के बारे में पढ़ा, और हमने इनकी ड्रॉबैक के बारे में पढ़ा और इनका हमने इम्पोर्टेंस भी पढ़ा. तो हम कह सकते हैं दोनों चीज़ को पढ़ के कि जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें ये दोनों चीज़ें बहुत रोल प्ले करती हैं. एक तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन का आता है कि चीज़ों को इधर से उधर क्या करती है, मूव कर सकते हैं हम इसको, ठीक है. इसी तरह हम आगे आपके पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे. ये टॉपिक हम यहीं ओवर करते हैं.